बड़ी खुशहाली थी इलाके में और आज वो नहीं है, आखिर किस कारण से नहीं है? अब सरकार ने पिछले वर्षों में यह फैसला किया कि शुगर कॉरपोरेशन के माध्यम से नहीं चलकर अब यह निजी क्षेत्र में जाएगी। निजी क्षेत्र को सौंपा गया और बची हुई चीनी मिलें, मिलों का जो रकबा था, जो जमीन थी, उसको लीज पर उद्योग विभाग को स्थानांतरित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और आपको बताएं सदन की कार्यवाही में बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के जो एमएलसी हैं यानी समीर सिंह, वो बिहार सरकार से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मुंगेर में जिस तरह से गन्ने की खेती होती है, गन्ने की उपज होती है, ऐसे में मुंगेर में गन्ना की फैक्ट्री लगनी चाहिए ताकि वहाँ निवेशक आए और अपना जो है इन्वेस्ट करें और वहाँ फैक्ट्री बने। ऐसे में जब सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के एमएलसी की तरफ से, तब बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता कहते हैं कि अगर प्राइवेट कोई आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करे, यानी बाहर से कोई इन्वेस्टर आकर के मुंगेर में इन्वेस्ट करना चाहे, तो हम इसके लिए सोचेंगे, विचारेंगे और हम जमीन देने के लिए तैयार हैं ताकि कोई आए, बाहर से आए और वहाँ फैक्ट्री बिठाए और निवेश करें। ऐसे में आपको बताएं जैसे ही मंत्री और एमएलसी के बीच में बात होती है, टपाक से भाजपा के एमएलसी दिलीप जायसवाल खड़े उठते हैं और कहते हैं कि भला यहाँ कोई इन्वेस्टर कैसे आएगा, यहाँ जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, बिहार में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, ऐसे में बिहार की जनता ही डरी हुई है, तो बाहर से लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट कैसे करते हैं। जैसे ही दिलीप जायसवाल बिहार सरकार को घेरते हैं, वैसे ही मंत्री आलोक मेहता टपाक से फिर जवाब देते हैं और कहते हैं कि आप भी तो इन्वेस्टर हैं और आप तो बिहार में ही इतने दिनों से रह रहे हैं, आपको क्या कोई असुविधा हुई, आप क्या अभी तक असुरक्षित हैं? जब आप खुद असुरक्षित नहीं हैं तो आप ऐसे भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं, आप बाहर के लोगों को बरगला क्यों रहे हैं? बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर आता है या इन्वेस्ट करता है तो ऐसे तो हमारे ही सरकार के लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छी बात है। तो देखिए किस तरह से बिहार विधान परिषद में तीखी नोकझोंक होती है कांग्रेस के एमएलसी के उठाए गए सवालों पे भाजपा की तरफ से। भाजपा के एमएलसी दिलीप जायसवाल और मंत्री आलोक मेहता भिड़ जाते हैं। क्या कुछ तस्वीरें सदन से निकलकर सामने आती है, आपको छुड़े जाते हैं तमाम तस्वीरों के साथ। सभापति महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन जिस उद्देश्य से हमने प्रश्न किया था वो जवाब में उस उद्देश्य की पूर्ति कहीं से नहीं होती है। महोदय, हमने ये उल्लेख किया था, सवाल पूछा था कि तारापुर और मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल में, खड़गपुर अनुमंडल में हजारों एकड़ हेक्टेयर में ईख की खेती होती थी और उस समय बड़ी खुशहाली थी इलाके में और आज वो नहीं है, आखिर किस कारण से नहीं है? इन्होंने जवाब दिया है कि 2021-22 का आंकड़ा दिया है कि हमने जो हजारों शब्द का प्रयोग किया है उसको काटने के लिए इन्होंने 2021-22 का आंकड़ा प्रस्तुत किया है सदन में। महोदय, सच्चाई यही है कि जब हम विद्यालय में पढ़ा करते थे तो उस इलाके में जब जाड़े के मौसम में घूमते थे तो चारों इलाके में जो भी सड़क से यात्री घूमते थे तो उनको गुड़ बनाने का स्वाद, सुगंध आता था। आखिर ये सुगंध कहाँ चला गया? आज हम मान सकते हैं सरकार का जो जवाब है कि 131 हेक्टेयर में ही खेती होती है, लेकिन ये 131 हेक्टेयर में आज क्यों खेती होती है जबकि हजारों एकड़ में हुआ करता था? उसका कारण है कि किसानों को अगर प्रोत्साहन मिलेगा, किसान जो उत्पादन करेंगे ईख का उसकी बिक्री समय पर होगी और उचित मूल्य मिलेगा। तो इसी के लिए हमने सरकार से मांग किया था कि किसान को प्रोत्साहन दिया जाए और जो पुरानी अवस्था थी किसानों के लिए ईख की खेती के लिए, और सरकार ने जो कृषि रोड मैप बनाया है हजूर, उसमें स्पष्ट रूप से ईख की खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसलिए हम सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं और किसानों में सरकार के आश्वासन से एक उत्साह पैदा करना चाहते हैं ताकि सरकार जो कह रही है वो सरकार कर रही है किसानों के लिए, ये हम बात विश्वास पैदा करना चाहते हैं आम जनता में, किसानों में। हजूर, अगर वहाँ चीनी मिल हो जाता है तो बगल का बांका जिला है हजूर, वहाँ भी ईख की खेती बहुत होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि तारापुर खड़गपुर में बांका के किसी बॉर्डर पर ही चीनी मिल अगर स्थापित कर दिया जाए
तो हम समझते हैं कि बांका, मुंगेर, जमुई, इस सारे इलाके में किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आएगी। तो सरकार सिर्फ ये जवाब दे दे अभी कि 131 एकड़ हेक्टेयर में होती है, हम मान लेते हैं, लेकिन एक साल का इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है। पूर्व में अगर जाएंगे तो प्रश्न आपका भाषण चल रहा है, प्रश्न बताए ना। तो यही हजूर पूरा पूछे ना बात, हमने हजूर यही पूछा है। चलिए हो गया, माननीय मंत्री महोदय, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ईख की खेती पारंपरिक रूप से हुआ करती थी। जब बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन के अंदर और कई प्राइवेट मिल के माध्यम से, प्राइवेट कंपनी के माध्यम से मिलें चलती थी। अब सरकार ने पिछले वर्षों में यह फैसला किया कि शुगर कॉरपोरेशन के माध्यम से नहीं चलकर अब यह निजी क्षेत्र में जाएगी। निजी क्षेत्र को सौंपा गया और बची हुई चीनी मिलें, मिलों का जो रकबा था, जो जमीन थी, उसको लीज पर उद्योग विभाग को स्थानांतरित किया गया है, ताकि दूसरे तरह के उद्योग में भी लगाया जाए तो उसमें लगाया जा सकता है। इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में यह फैसला किया गया कि चीनी उद्योग के साथ साथ गुड़ उद्योग और विभिन्न तरह के जो उद्योग हो सकते हैं उनका भी उसमें उसको भी शामिल किया जाए, और कृषि रोड मैप के माध्यम से गुड़ उत्पादन वाले क्षेत्र में जहाँ पर चीनी मिल नहीं है वहाँ गुड़ उद्योग लगाने की योजना है। जहाँ पर गुड़ उद्योग के अलग अलग साइज के गुड़ उद्योग, जो छोटे मझले और लघु उद्योग के रूप में गुड़ उद्योग लगाए जा सकते हैं, और उस इस चौथे कृषि मैप में उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। वैसे जहाँ तक किसान के गन्ना उत्पादक किसानों के प्रोत्साहन की बात है, तो सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों के गन्ना कृषकों को 10 चयनित और अनुशंसित प्रभेदों की खेती करने पर योजना अंतर्गत प्रमाणित बीज लगाने पर सामान्य श्रेणी के गन्ना किसानों को 210 रुपये प्रति क्विंटल, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को 240 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अंतर्गत मुंगेर जिला के खड़गपुर अनुमंडल में टेटिया बंबर एवं खड़गपुर प्रखंड में गन्ना किसानों को 1452 क्विंटल प्रमाणित गन्ना बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है, परंतु सरकार के स्तर से मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर एवं खड़गपुर अनुमंडल में नया चीनी मिल स्थापित करने की अभी सरकार की कोई योजना नहीं है। यदि कोई निवेशक आगे आते हैं तो सरकार उनको नियमतः हर तरह से और प्रोत्साहन पैकेज जो है सरकार का, उसके माध्यम से उसे मदद करेगी। और आगामी वर्ष में सरकार विचार करेगी, जब उद्योग अन्य जगह उद्योग लगाने के लिए जब माहौल, हमारी जमीन और हर तरह की चीज़ों की तैयारी हो जाएगी कृषि बोर्ड मैप के माध्यम से, तब हम उद्योगपतियों के और इन्वेस्टर्स मीट की बात हम लोग विचार कर रहे हैं। एक शब्द पूछना चाहते हैं कि सरकार जो है उन इलाके में चीनी मिल स्थापित करने के लिए क्या निजी व्यवसायियों को आमंत्रित करने जा रही है? अभी तो बोले हैं वो खुद कहे अगर कोई निवेशक आएंगे तो उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने तो कहा प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या उस इलाके में ये करने जा रहे हैं? महोदय, वॉलंटियरली यदि कोई आ रहे हैं तो अभी ही मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं तो फिर आगे हम लोग इन्वेस्टर्स मीट करेंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से बिहार में अपराध का माहौल बढ़ता जा रहा है और अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं अधिकारियों के द्वारा निवेशक को प्रताड़ित, एक मिनट, निवेशक को प्रताड़ित करने का भी काम किया जाता है, या तो पदाधिकारी के यहाँ दौर लगाए निवेशक, या फिर अपराध के माहौल में फंसा है। तो मंत्री महोदय, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि आप निजी क्षेत्र पर विश्वास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार सरकार निजी क्षेत्र पर विश्वास करके चाहती है कि निवेशक बिहार में आए, लेकिन आपके यहां निवेशक आएगा कैसे? आपको माहौल, सभापति महोदय, जब तक बिहार में निवेशक के दिल में ये माहौल नहीं जाएगा कि हमारी सुरक्षा है, और जब तक उसको सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा तो कोई भी निवेशक बिहार में नहीं आएगा। और मैं चुनौती देता हूं मंत्री महोदय, सभापति महोदय के माध्यम से, कि आप 5 वर्ष तक में भी अगर एक चीनी मिल खोल के दिखा दीजिए, 5 वर्ष, मैं 1 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुंगेर में
समीर भैया, अगर मुंगेर जिला में मंत्री महोदय एक निवेशक को चीनी मिल खोलने के लिए 5 वर्ष में ले आइए, तब भी हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते। महोदय, माननीय सदस्य दिलीप बाबू ने जो सवाल किया, वैसे तो इस विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कौन निवेशक और कौन सा अपराध, यदि कौन सी धमकी, माननीय सदस्य उसकी सूचना दें, सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी, और नहीं किया तो सरकार फिर तो फिर सरकार से आप इसी सदन में अगले सत्र में पूछ सकते हैं। अगले सत्र से पहले हम तो महोदय 5 साल में आप गारंटी दे दीजिए कि मुंगेर में चीनी मिल जाएगा। 5 वर्ष महोदय, मैं 1 वर्ष नहीं, 5 वर्ष का समय दे रहा हूं कि आप निवेशक को ले आइएगा मुंगेर में खाली। महोदय, माननीय सदस्य भी वन ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं बिहार के, और माननीय सदस्य वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, महोदय माननीय सदस्य एक निवेशक में एक माननीय सदस्य भी हैं। वो अपना अनुभव बताएं कि उनको कब किस अपराध का सामना करना पड़ा। सिर्फ किसी अपराधी के किसी दूसरे की घटना सुनकर और माहौल खराब करके, सिर्फ अपराध से माहौल खराब होता है महोदय सिर्फ अपराध से माहौल खराब होता है, सांप्रदायिक घटनाओं से माहौल खराब नहीं होता है। पहले उनको नियंत्रित करना चाहिए ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। 502 माननीय सदस्य मोहम्मद फारूक।